हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभोजीत और टेक्निकल शुभोजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा यूट्यूब स्टूडियो ऐप पर आप एनालिटिक्स कैसे चेक कर सकते हो, वही मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आप देख सकते हो मैं अभी यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल पिक्चर आइकन है इसके नीचे में आपको एनालिटिक्स पेज जो है दिया गया है। आप अगर चाहो तो फिर बिल्कुल टॉप पर लेफ्ट साइड पे जो मेनू बटन है इस पर भी आप क्लिक करके आप बिल्कुल नीचे में देख सकते हो एनालिटिक्स का पेज है, बिल्कुल सेम पेज है। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो लास्ट 48 आवर्स के अंदर आपका कितना व्यूज़ हुआ है, आप चेक कर सकते हो। देख सकते हो मेरा 24,000 जो है व्यूज़ हुआ है रियल टाइम में 48 आवर्स के अंदर। अगर आप चाहो तो इसे 60 मिनट में आपका कितना व्यूज़ हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। और उसके नीचे में आप देख सकते हो रियल टाइम व्यूज़ लेटेस्ट पब्लिश वीडियोस, इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका रियल टाइम 48 आवर्स के अंदर कौन सा वीडियोस में आपको कितना व्यूज़ हुआ है आप चेक कर सकते हो। आप अगर चाहो तो फिर इनमें से कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप बिल्कुल नीचे में आप देख सकते हो गो टू वीडियो एनालिटिक्स पेज जो है शो हो रहा है, उस पर भी आप क्लिक करके आप स्पेसिफिक वीडियोस का जो है एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो, कितना व्यूज़ हुआ है, ऑडियंस रिटेंशन कितना हुआ है, मतलब कितने टाइम तक आपके वीडियो व्यूअर्स जो है देख रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। ट्रैफिक सोर्स टाइप भी आप चेक कर सकते हो, मतलब नोटिफिकेशन में वीडियोस किस किस को मिला है, यूट्यूब सर्च में ये वीडियो कितना परसेंट हुआ है, ब्राउज फीचर्स में कितना हुआ है, एंड स्क्रीन में ये वीडियो कितना हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हो बहुत इजीली। आप अगर आपके चैनल अगर मोनेटाइजेशन ऑन है तो फिर आप देख सकते हो रेवेन्यू यहाँ पे टैब दिया गया है, रेवेन्यू पे क्लिक करके आपको कितना अर्निंग हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। ट्रांजेक्शन टाइप भी चेक कर सकते हो। आप अगर चाहो तो फिर कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे वीडियोस पे जाना है और वीडियोस पे जाने के बाद आप इनमें से कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर मैं अगर इस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे में आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स का पेज जो है ओपन हो जाता है। इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो आपको 28 डेज में कितना व्यूज़ हुआ है, वॉच टाइम आपको कितना हुआ है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना हुआ है, ऑडियंस रिटेंशन आपको कितना हुआ है, ये सब कुछ आपको देख पाओगे। आप ट्रैफिक सोर्स में आपका यूट्यूब सर्च में कितना आ रहा है वीडियो, और अदर यूट्यूब फीचर्स में आपका कितना परसेंटेज हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। चैनल पेज में आपका ये वीडियो कितना परसेंटेज हुआ है ये भी आप देख सकते हो। रेवेन्यू सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो भी आपको अगर मोनेटाइजेशन ऑन है कितना अर्निंग हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो, और आपका कौन सा एड्स आपको ज़्यादा से आ रहा है इस वीडियो में वो भी आप देख सकते हो। इसका बिल्कुल ऊपर में आप देख सकते हो डिस्कवर का एक पेज है, इंप्रेशन कितना है इस वीडियो का, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना है, यूट्यूब सर्च में कितना आ रहा है, और टॉप एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है वो भी आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे टॉप वीडियो सजेस्टिंग दिस वीडियो वो भी आप देख सकते हो, टॉप प्लेलिस्ट वो भी आप देख सकते हो। इसके राइट साइड में आप देख सकते हो ऑडियंस का टैब दिया गया है, ऑडियंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आप देख सकते हो कितना एज का उम्र का लोग आपका वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो रिसेंटली है इसलिए अभी तक डाटा जो है शो नहीं हो रहा है। टॉप कंट्रीज कितना हुआ है, तो फिर मैं इसे बेहतर तरीके से दिखाने के लिए आपको मैं जो मेरा चैनल का एनालिटिक्स है उस वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऑडियंस का पेज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वीडियो जो है मेल ज़्यादा देखता है क्योंकि मैं लड़कियों का वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए मेल ज़्यादा है, फीमेल भी है 24%, और मेरा उम्र का मतलब मेरा वीडियोज़ में 30-17 उम्र का लोग ज़्यादा मेरा वीडियो देखते हैं। उसके बाद 18-24 सबसे ज़्यादा जो है मेरा वीडियोज़ देखता है। टॉप कंट्रीज़ कौन सा कंट्रीज़ आपको वीडियो ज़्यादा देखते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। टॉप सबटाइटल सीसी लैंग्वेज आपको बिल्कुल नीचे में शो हो जाता है। उसके राइट साइड में आप देख सकते हो इंटर एक्टिव कंटेंट, यहाँ पे आपको टीज़र क्लिक पर कार्ड टीज़र शोन हो जा रहा है, क्लिक पर कार्ड शोन हो जा रहा है। टॉप कार्ड्स कौन सा कार्ड में आपका वीडियोज़ ज़्यादा चल रहा है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर।
और उसके राइट साइड में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट का बटन दिया गया है। इस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके आप देख सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स प्लेलिस्ट वेयर व्यूड, कौन सा प्लेलिस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिया है यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हो। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट का, लास्ट 28 डेज में कितना हुआ है, प्रीवियस पीरियड में कितना हुआ है। आप अगर चाहो तो फिर इसे क्लिक करके कि एक आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करके लास्ट 7 डेज में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप प्लेलिस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में कौन सा है, वो भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। इस तरीके से आप बहुत इजीली यूट्यूब स्टूडियो में आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो फिर मैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है ऑलरेडी मोनिटाइज है, आप देख सकते हो यहाँ पे अर्निंग भी शो होगा आपका, एस्टिमेटेड मोनिटाइज प्लेबैक भी आपको शो होगा, ट्रांजैक्शन भी आपको शो होगा, एड टाइप्स भी शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप अर्निंग वीडियोज़, मतलब कौन सा वीडियो से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। टॉप कंट्रीज़ बाय CPM, कौन सा कंट्रीज से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा CPM मिला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड में आप ओवरव्यू देख सकते हो, यहाँ पे आप टोटल जो है आप चेक कर सकते हो, आपको सब्सक्राइबर कितना बढ़ा है कितना घटा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं या फिर जो आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा देख रहा है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपका चैनल का जो है टॉप वीडियोस कौन सा है, मतलब वॉच टाइम कौन सा ज़्यादा है आपका वीडियोस में, वो भी आप यहाँ पर ईजिली चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत ईजिली आप YouTube स्टूडियो मोबाइल ऐप के मदद से आप YouTube चैनल का एनालिटिक्स आप देख सकते हो। तो फिर मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल का अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।